हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो सबको बात सुनाई दे रहा है? कोई डाउट? एवरीथिंग इज ओके? हाँ जी, सबको आवाज सुनाई दे रहा है? यस और नो? यस और नो? ओके सर, ओके जी, ओके जी, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट अपने फ्रेंड्स को रेफर करिए, बोलिए ज्वाइन करें जो भी अपने क्लास में आते हैं प्लीज, ताकि हम लोग इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। जितने ज्यादा एक्टिव क्लास के अंदर होंगे, लर्नर होंगे, उतना ही फायदा हम सबको होगा, उतना इंटरेक्शन होगा, जितना इंटरेक्शन होगा उतना फायदा सबको होना है। ठीक है, तो फटाफट बोलिए अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने के लिए। एवरीवन, गुड आफ्टरनून मृत्युंजय, अक्षय, दुष्यंत, एवरीवन। ओके जी, ओके जी। चलिए, सो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ये अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट मैराथन से, लास्ट मैराथन से। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, जो अभी तक आपको उसमें करवाया गया, तो आप बताइए, अभी तक जो आपको करवाया गया उसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ओके जी, ओके जी, तो ये मान के चलें कि अब किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, राइट। चलिए, तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में हम लोगों ने इसको लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, वो डिस्कशन ये था कि भाई कंप्रेशन मेंबर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ विद इन 5 मिनट, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेटेड हो जाओगे, बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। हेलो चिराग गोस्वामी, चलिए जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? कोई भी वो मेंबर जिसपे दो कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं दोनों एंड पे, टू कंप्रेसिव फोर्स आर एक्टिंग एट इट्स एंड, इज नोन एज द कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, तो मेरे पास के अंदर दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, जिसके अंदर ट्रस में जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो इंक्लाइंड मेंबर होता है, जिसको हम स्टर्ट बोलते हैं, और बिल्डिंग में यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो कंप्रेशन मेंबर होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं, और वो वर्टिकल होता है। स्टर्ट भी कंप्रेशन मेंबर है और कॉलम भी कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये हैं, दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि स्टर्ट ट्रस में कंप्रेशन मेंबर है जो कि इंक्लाइंड होता है, कॉलम स्ट्रक्चर में कंप्रेशन मेंबर है जो कि वर्टिकल होता है। स्टर्ट कम लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि कॉलम जो होता हैवी लोड के लिए डिजाइन होता है। कॉलम, पोस्ट, स्टेंचियन, ये सारे इसी के नाम है। सो जितने भी इंक्लाइंड मेंबर दिए, सारे इंक्लाइंड मेंबर नहीं, बट कुछ इंक्लाइंड मेंबर जो होते हैं वो स्ट्रट होते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो स्ट्रट के अंदर हम लोगों ने कंप्रेशन मेंबर के हम लोगों ने एग्जांपल देखे थे, स्ट्रट, पोस्ट, कॉलम, स्टेंचियन, बूम, ये सारे जो होते हैं वो कंप्रेशन मेंबर कहलाते हैं, ये सारे मेंबर कंप्रेशन मेंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा था क्लास के अंदर लास्ट मैराथन में कि भाई जहां पे कॉलम का लेंथ ज्यादा होता है और क्रॉस सेक्शन डायमेंशन रेशियो, लेंथ टू क्रॉस सेक्शन डायमेंशन रेशियो जहां पे ज्यादा होता है, उसको वो वाला कॉलम सेक्शन जो होता है बहुत कम लोड लेता है, बहुत कम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी, क्योंकि उसके अंदर सिलेंडर इफेक्ट ज्यादा होता है, उसमें सिलेंडर इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उस केस के अंदर हम ये मानते हैं कि भाई उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमें ये देखना होगा कि भाई एल बाय क्रॉस सेक्शन रेशियो, जिसको हम स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं, इस रेशियो के अंदर जो जो पैरामीटर हमें दिए गए हैं, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ जायरेशन, तो लास्ट मैराथन के अंदर हम लोगों ने ओनली इफेक्टिव लेंथ को डिस्कस किया था, इफेक्टिव लेंथ को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने लेंथ के बारे में देखा था, एक्चुअल लेंथ, टोटल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ, सपोर्टेड लेंथ और क्लियर लेंथ, ये सारे लेंथ कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में जाना था।
कि भाई जो लेंथ दी जाती है कौन सी होती है, टोटल लेंथ आउटर टू आउटर डायमेंशन, एक्चुअल लेंथ सेंटर टू सेंटर सपोर्ट, अनसपोर्टेड और क्लियर लेंथ। ये क्लियरली जो आपको विजिबल होती है बीम के बॉटम से लेके फ्लोर के टॉप के ऊपर जो कॉलम का लेंथ आपको क्लियरली दिखाई देता है वो अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगा और क्लियर लेंथ होगा। सपोर्टेड लेंथ वो लेंथ होता है जिसके अलोंग लेंथ के अलोंग कॉलम सपोर्टेड रहता है तो वो सपोर्टेड लेंथ कहलाती है। उसके बाद में हमने एल इफेक्टिव को लेके पॉइंट आउट किए थे। तो एल इफेक्टिव जो दिया जाता है वो दिया जाएगा इट इज लेंथ ऑफ बकल्ड कॉलम और इट इज लेंथ बिटवीन पीओसी पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में देखें तो ये हो जाएगा वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंज द साइन, वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और इसको लेके हम लोगों ने पहले पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को देखा था कैसा होता है और किस तरीके से वो अफेक्ट करता है इफेक्टिव लेंथ को। देन हम लोगों ने ये देखा था कि भी एल इफेक्टिव के अंदर आपको एक नोटेशन दिया जाता है के इंटू एल, एल अनसपोर्टेड लेंथ होगा, के होता है कॉन्स्टेंट फॉर सपोर्ट एंड कंडीशन। आपने एंड पे जो सपोर्ट दिया है वो कैसा सपोर्ट दिया है उसके हिसाब से के का वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हमने एंड सपोर्ट के बारे में देखा कि भी फिक्स अगर होता है तो क्या होता है, हिंज या रोलर के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, वो सारा हमने जो है वो लास्ट क्लास में देख लिया था। देन इन्हीं सपोर्ट एंड कंडीशन को लेके तीन मेरे पास में कंडीशन है, इन्हीं कंडीशन को लेके मैंने जो है वो एक इफेक्टिव लेंथ के कुछ कॉम्बिनेशन बनाए थे। दोनों एंड फिक्स एक हिंज, दोनों हिंज एक फिक्स एक रोलर और एक हिंज एक रोलर, ऐसे करके हमने जो है वो कुछ इफेक्टिव लेंथ के फॉर्मुलेशन देखे थे लास्ट मैराथन में। तो सबसे पहले हमने देखा था बोथ एंड्स आर फिक्स, जब दोनों एंड फिक्स होते हैं तब उस केस के अंदर तुम्हारे पास में एल इफेक्टिव जो दिया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से वो दिया जाएगा एल बाई टू इज इक्वल एल बाई टू यानी कि 0.5 सोम और सॉरी स्टील और आरसीसी में दिया जाएगा 0.65 इंटू एल। इसके लिए जब दोनों एंड अगर फिक्स होते हैं इसके लिए क्रिटिकल लोड जो दिया जाता है वो दिया जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पीसीआर हो जाएगा क्रिटिकल लोड, ये यूलर क्रिटिकल लोड होता है सोम से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज के लिए थ्योरिटिकल वैल्यू जो दिया जाता है वो दिया जाएगा एल बाई रूट टू दैट इज 0.707 एल, और रिकमेंडेड वैल्यू यानी कि सोम स्टील और आरसीसी के लिए ये हो जाएगा 0.8 एल। सो इन दिस द क्रिटिकल लोड पीसीआर इज इक्वल टू 2 × π² ई आई बाई एल स्क्वायर, 2 × π² ई आई बाई एल स्क्वायर दैट इज द क्रिटिकल लोड। अगर दोनों एंड अगर फिक्स दोनों एंड अगर हिंज हैं तब उस केस में थ्योरिटिकल वैल्यू जो सोम से दिया जाता है वो दिया जाएगा 1.0 एल, रिकमेंडेड वैल्यू स्टील और आरसीसी के अंदर दिया जाएगा 1.0 एल, एंड क्रिटिकल लोड दिया जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर दैट इज द क्रिटिकल लोड। नेक्स्ट वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, अदर एंड फ्री का मतलब है ना तो यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है ना रोलर है ना फिक्स है ना हिंज है, कुछ नहीं है, तब उस केस में क्या हो जाएगा थ्योरिटिकल वैल्यू 2.0 एल, रिकमेंडेड वैल्यू 2.0 एल एंड पीसीआर क्रिटिकल लोड दैट इज पाई स्क्वायर ई आई बाई फोर एल स्क्वायर। सो दिस इज द क्रिटिकल लोड। एंड उसके बाद में हमारे पास में कंडीशन आती है रोलर सपोर्ट को लेके जिसके अंदर काफी लोगों को डाउट था लास्ट क्लास के अंदर। तो रोलर सपोर्ट को हम लोग जो यहाँ पे समझते हैं मूवेबल फिक्स सपोर्ट, हम लोग इसको क्या समझते हैं मूवेबल फिक्स सपोर्ट। सो जब मूवेबल फिक्स सपोर्ट होता है तब उस केस में एंगल विल नॉट चेंज व्हेन द लेटरल लोड इज एक्टिंग, एंगल 90 डिग्री विल बी देयर
when the lateral load is acting. So in this scenario, one end fixed, other end roller, तब उस केस में तुम्हारे पास में इफेक्टिव दिया जाएगा 1.2L, एल इफेक्टिव दिया जाएगा 1.2L. इसको मैं क्लास लास्ट में रहता सेशन में क्लियरली बता चुका हूं, अच्छे से आपको बता चुका हूं. देन वन एंड हिंज अदर एंड रोलर, वन एंड हिंज अदर एंड रोलर के लिए आपके पास में एल इफेक्टिव हो जाएगा 2.0L, ठीक है ना. चलिए, तो ये हमने एल इफेक्टिव का वैल्यू देखा था जो हमें इसके अंदर दिया गया है. अब इसी एल इफेक्टिव को लेके हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे, तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स एंड दीज आर सम प्रॉब्लम्स. उसके बाद में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन ही बनाए थे, सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हमने देखे थे, राइट. सो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में से थे, ईएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन में से. ये क्वेश्चन जो लिखे गए सामने, ये भी और ये भी, ये भी, ये सारे हम लोग जो हैं वो इसके अंदर हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास तक हम लोग इसको कवर कर चुके हैं. तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. ये लास्ट मैराथन सेशन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, हाँ जी. नाउ टेल मी क्या होगा, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए. मृत्युंजय सर आपका पीडीएफ फाइल ग्रुप में नहीं है. मृत्युंजय इसका पीडीएफ जो है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि व्हाइट कलर वाला उसमें जो पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो हो नहीं रहा है. तो ये आज या कल के अंदर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ओके जी, ओके. चलिए, तो ये मान लेते हैं कि भाई आपको जो है यहाँ पे कोई डाउट नहीं है. चलिए, दैट्स वेरी गुड एंड थैंक यू सैम. चलिए, तो डाउट नहीं है तो एक काम करते हैं, हम लोग एक कल का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन बनाते हैं इफेक्टिव लेंथ वाले पैरामीटर से जो तुम्हारे ईएससी का रहा है, ठीक है. आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सब लोग रेस्पॉन्स देते रहिएगा, चाहे गलत बने सही बने. तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सब लोग रेस्पॉन्स देते रहिए, ठीक है ना. यस और नो. ओके जी. चलिए, तो क्वेश्चन आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर देना है सबको, क्वेश्चन दिया गया है, ए कॉलम विथ वन एंड फिक्स, ए कॉलम विथ वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री, a column with one end fixed, other end free, has a load carrying capacity P, if the free end is made fixed, then the load carrying capacity will be. Now tell me, क्या होगा? आंसर प्लीज ट्राई करिए सब लोग. कोशिश करना है सबको, गलत बने सही बने, बट आई वॉन्ट आंसर. अभी क्लास के अंदर 29 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, लाइव हैं, सो आई वॉन्ट दैट ईच वन ऑफ यू प्लीज आंसर. अपना दिमाग लगाइए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ये सारा देख चुके हैं इसके बारे में, और ये ईएससी के क्वेश्चन में से आए हुए क्वेश्चन में से कोई एक है. हाँ जी, आंसर प्लीज. एवरीवन.
आई एम वेटिंग आंसर, आई एम वेटिंग प्लीज एवरीवन आंसर। क्या बात है भाई, इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं दे दिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यादव 16p, व्हाट अबाउट अदर, इंक्रीज बाय 16p, शिव गुप्ता। ओके जी, ओके जी। आई विल वेट अराउंड 30 seconds, नॉट मोर देन दिस। आई विल वेट अराउंड 30 seconds, नॉट मोर देन दिस। सो प्लीज एवरीवन आंसर, एवरीवन आंसर। चलिए जी, चलिए। तो ये मान लेते हैं कि भाई आंसर देने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हैप्पी आंसर दो। दुष्यंत, मृत्युंजय, यार आप लोग सक्षम हो, कहाँ हो यार, डियर इतना समय नहीं दिया जा सकता तुम्हें, आंसर दो दोस्तों, तुम लोगों के लिए ही किया गया ये। चलिए जी, चलिए जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, एक कॉलम विथ वन एंड फिक्स, एक कॉलम सार्थक 50 डिग्री, ऐसा है सार्थक। इसका आंसर आपको न्यूमेरिक डिजिट में बताना है, परसेंटेज में नहीं, कितना बड़ा है। A column with one end fixed, other end free. A column with one end fixed, other end free has the load carrying capacity P. यानी कि ये बात कर रहा critical load की। Critical load जो दिया जाएगा इसके लिए वो दिया जाएगा pi square EI by 4L square. 4L square ये आपको दिया गया है। आगे क्या दे रहा है? If the free end is made fixed, ये free end को हमने fixed बना दिया। तब उस केस में इसकी नया जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास, वो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। राइट राइट, दिस इज द वन। सो तुम्हें पूछा है कि भाई ये जब आप इसको फिक्स बना देते हैं तब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगा वो कितना बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, P new by P, so that become 16P. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा 16P, 4 से 4 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, P new upon P करके करेंगे तो मेरे पास में ये हो जाएगा 16P। हाँ जी, क्लियर है सबको, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को भी, एवरीवन एवरीवन। चलिए जी, चलिए। तो ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं, अमन। राइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16p, p न्यू जो बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारे पास 16p। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमने इसको देखे तो हमारे पास में इस वाले पॉइंट को लेके हमने सारा डिस्कशन कर चुके हैं, इफेक्टिव लेंथ को लेके हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन को लेके, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है और कैसे ये सेक्शन को अफेक्ट करता है उसको लेके हम लोग जो है बात इसमें डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए जी। सो नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन दिया जाएगा स्मॉल आर के द्वारा। यहाँ पे रेडियस जो होता है एक डायमेंशन होती है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। जायरेशन का मतलब होता है रिवोल्वेशन, इसका जो मतलब दिया जाता है वो मतलब दिया जाएगा रिवोल्वेशन का मतलब है किसी एक एक्सिस के अबाउट या किसी एक्सिस के अलोंग या किसी एक्सिस के अबाउट क्या करना, रोटेट करना या बकल करना। तो ये कैसे होता है, इसको अगर हम समझें तो मान लीजिए मेरे पास में ये कोई आपको एक सेक्शन दिया गया है। रेडियस ऑफ जायरेशन को समझ रहे हैं क्या होता है और किस तरीके से है। तो मेरे पास तो मान लीजिए ये कोई आपको एक सेक्शन दिया गया, कोई भी एरिया है जिसका सीजी यहाँ कहीं लाई कर रहा है और इसी सीजी पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे
इसका इक्वेशन लिखना है, वो क्या लिखूंगा मैं, इस एरिया को, ये मैंने कोई एक एरिया ले लिया जिसका एरिया हो जाएगा डी ए, ये कोई मैंने एक ब्लॉक ले लिया जिसका एरिया हो गया डी ए, और इसका यहाँ से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई, इसका डिस्टेंस हो जाएगा वाई, और इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया, टोटल एरिया हो जाएगा तुम्हारे पास, टोटल एरिया हो जाएगा तुम्हारे पास ए, समझना इस चीज को, ये हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा ए। तो मुझे अगर आई एक्स एक्स लिखना है, आई एक्स एक्स अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखते हो आप, सोम आपने अच्छे से कर रखा है, तो आई एक्स एक्स लिखा जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए, यही लिखोगे, ठीक है। चलिए जी, राइट राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी ए इंटू वाई, तो ये आई एक्स एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे कि मैंने क्या किया, इस टोटल एरिया को जिसका अपना कोई एक डायमेंशन गिवन था, जिसका अपना कोई एक डायमेंशन गिवन था, इस एरिया को मैंने लाइन एरिया में कन्वर्ट कर दिया, इस एरिया को मैंने लाइन एरिया के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। लाइन एरिया, लाइन एरिया क्या होता है, लाइन एरिया ये वो एरिया होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन का मतलब है इसका कोई थिकनेस नहीं होगा, टी इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू क्या होगा, थिकनेस इसका कुछ नहीं होगा, बट इसका लाइन एरिया अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका एरिया हो जाएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसे, ये तुमने लाइन एरिया में कन्वर्ट कर दिया इसको, दैट इज द लाइन एरिया, दैट इज द लाइन एरिया, और सेम तुम उसी एक्सिस पे क्या करना चाहते हो, इस लाइन एरिया को रोटेट करवाना चाहते हो, इस लाइन एरिया को रोटेट करवाना चाहते हो, लाइन एरिया को क्या करवाना चाहते हो, रोटेट करवाना चाहते हो। तो जब आप लाइन एरिया को इस एक्सिस के अबाउट, आई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज द एक्स एक्स, और ये जिस रेडियस से ये एरिया, जो लाइन एरिया बना है वो रोटेट करेगा, जिस रेडियस से लाइन एरिया रोटेट करेगा वो रेडियस में यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ आर एक्स एक्स, वो डिनोट कर देता हूँ मैं आर एक्स एक्स, तो यहाँ पे आर एक्स एक्स, अब अगर आप यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई एक्स एक्स, जब आप लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, आई एक्स एक्स लिखा जाएगा टोटल, आई एक्स एक्स टोटल की बात कर रहा हूं मैं, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इस एक्सिस को उठाओ, मुझे यहाँ निकालना एरिया पूरा का पूरा, तुम्हें कोई आर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब उस केस में क्या हो जाएगा, तब उस केस में हो जाएगा इस एक्सिस को उठा के इसके सीजी पे ले जाएंगे, सीजी पे ले जाके मैं एक्सिस का ओरिजिनल सीजी पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, जो कि जीरो हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि इसका थिकनेस कुछ नहीं है, प्लस उसका एरिया इंटू एच स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा तुम्हारे पास में आर एक्स एक्स का स्क्वायर, आर एक्स एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे तुम आर एक्स एक्स देखोगे, यहाँ पे तुम्हें आर एक्स एक्स जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा स्क्वायर रूट आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, और ये आपको दिया जाता है आर का वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन में, आर का वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप वाई डायरेक्शन में अगर आप करते हैं, वाई डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं, वाई डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तो ये तुम्हारे पास में आर वाई वाई हो जाएगा और ये बन जाएगा आई वाई वाई। इट मीन्स कि अगर मैं आर एक्स एक्स का वैल्यू लिखता हूँ तो आर एक्स एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एरिया, आर वाई वाई दिया जाएगा स्क्वायर रूट आई वाई वाई डिवाइडेड बाई एरिया, आई वाई वाई डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। दिस रेडियस इज नोन एज द, जिस रेडियस से पूरा होल एरिया जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है वो रेडियस कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेशन, वो कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेशन। इट मीन्स ये मेजर करता है,
अब देखो, अब सिंपल सा फंडा देखो, अब इसको कैसे ये बना उसको देखते हैं, पहले इसको और अच्छे से समझते हैं। मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे आपके पास दो डायग्राम बना रहा हूँ, दो डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं आर को लेके, और ये कैसे इसको अफेक्ट करता है इसको, हालांकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में काफी अच्छे से एग्जाम्पल में हमने देखा था। देखिए, ये तुम्हारे पास में कोई दो सेक्शन है, इसके अंदर मैंने एक्स एक्सिस बनाया, एक एक्सिस बनाया, ये हो जाएगा आई एक्स एक्स, ये हो जाएगा आई एक्स एक्स, और ये बनाया मैंने आई वाई वाई, ये बनाया मैंने आई वाई वाई, ये बनाया मैंने वाई वाई। तो सीधी सी बात है, हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं, ये बकल करेगा, ये वाला जो बकल करेगा वो बकल करेगा ऐसे, ये बेंड करेगा ऐसे, ये बकल या बेंड करेगा ऐसे, करेगा नहीं करेगा, और ये बेंड करेगा ऐसे, ये बेंड करेगा ऐसे, इस तरीके से ये बेंड किया जाएगा ऐसे। इट मींस अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई अगर तुम्हें इस पूरे एरिया को, अगर तुम्हें इस पूरे एरिया को लाइन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और आप किसी एक एक्सिस के अबाउट, अगर आप कोई एक्सिस यहां ले लेते हो, इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पूरे एरिया को रोटेट करवाते हो, तो भाई क्या होगा, क्या होगा तुम्हारे पास, इसके अंदर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो डायमेंशन है, ये वाला पूरा का पूरा रोटेट करने में रेजिस्टेंस देगा, रोटेट करने में क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, पूरा का पूरा ये ऐसे रेजिस्टेंस करने में क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो जितना डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे, जितना डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे, वो डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास आर वाई, आर आर एक्स, ये हो जाएगा आर एक्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हें जो वैल्यू देता है, ये तुम्हें जो वैल्यू देता है, वो वैल्यू देता है, ये वैल्यू देता है रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो सीधा सा फंडा हम लोग ये जान गए कि भाई जिस प्लेन में आई ज्यादा होगा, उस प्लेन के अंदर उस मेंबर को बकल कराना मुश्किल होगा, उस प्लेन में उसको बकल कराना मुश्किल होगा। जिस प्लेन में आई कम होगा, उस प्लेन में उसको आसानी से बकल कराया जा सकता है। इट मीन्स रेडियस ऑफ जायरेशन आल्सो मेजर द बकलिंग, आल्सो मेजर द बकलिंग, कि भी बकलिंग कैसे होगा, किधर होगा, किस प्लेन में होगा, वो भी रेडियस ऑफ जायरेशन मेजर करता है, वो भी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या करता है, मेजर करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास, फर्स्ट पॉइंट रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन मेजर द बकलिंग रेजिस्टेंस टू बकलिंग, रेजिस्टेंस टू रोटेशन और बकलिंग, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंस टू रोटेशन और रोटेशन और बकलिंग, रोटेशन और बकलिंग, रोटेशन और बकलिंग, ये दिया जाता है। दूसरा हमने रेडियस ऑफ जायरेशन जो लिखा है, अब इसको यहां पे लिख देते हैं, इफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज मोर, इफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज मोर रेडियस ऑफ जायरेशन इज मोर देन देन इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, देन इट मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट और बकल, इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट और बकल, इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट और बकल, ये उसको रोटेट करना और बकल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा उस प्लेन के अंदर जिस प्लेन में रेडियस ऑफ डायरेक्शन ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास में कोई भी दो कॉलम है, इसमें से किस में पहले इजीली बकल करेगा और किस में इजीली बकल नहीं करेगा, हाँ जी, आर एक्स एक्स के अबाउट इजीली बकल करेगा या आर वाई वाई के अबाउट इजीली बकल करेगा, किसके अबाउट इजीली बकल करेगा ये बताइए, किसके अबाउट इजीली बकल करेगा,
ये किसके अबाउट इजीली बकल करेगा, वाई वाई के अबाउट या एक्स एक्स के अबाउट? ये बकल करेगा वाई वाई के अबाउट, इजीली बकल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे पास में रेडियस ऑफ जायरेशन कम है और तुम्हारे पास में आई का वैल्यू भी क्या है, बहुत कम है। आई का वैल्यू भी क्या है, बहुत कम है। चलिए चलिए, वेरी गुड। ऐसे रिस्पॉन्स बनाए रखिए, आपको काफी चीजें अभी पता लग जाएगी। और थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम देखें रेडियस ऑफ जायरेशन के अंदर, तो अब हम यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूँ, जो मेरे सामने दिया गया है, और इस कॉलम को अगर मैं फ्रीली कहीं यूज करना चाहता हूँ, फ्रीली का मतलब अनसपोर्टेड और क्लियर लेंथ आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। ओनली एंड पे आपको सपोर्ट दिया गया, बाकी कॉलम अपनी पोजिशन पे है, उसमें कुछ नहीं है। तब इस कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा, जो RRYY डिसाइड करेगा या RXX डिसाइड करेगा? अगर इस कॉलम को फ्रीली सेंटर पे कहीं पे यूज कर रहा हूं मैं, तो इस कॉलम की कैपेसिटी कौन डिसाइड करेगा, RYY या RXX? कौन डिसाइड करेगा, RYY या RXX? एवरीवन रेस्पॉन्ड, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा RYY, कॉलम जो बकल करेगा वो बकल करेगा वीकर एक्सिस के अबाउट, ना कि स्ट्रॉन्गर एक्सिस के अबाउट, चलिए चलिए, हाँ जी। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब तुम्हारे पास में ये जो दे रखा है, आई एक्स एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस, और ये हो जाएगा आई वाई वाई, जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनर एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम हमेशा माइनर एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, बकल करेगा। तो ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट, कॉलम ऑलवेज टेंड्स टू बकल, अबाउट वीक एक्सिस, ये वीक एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, बकल करेगा। इसीलिए आप जब लेमडा लिखते हैं, तो वहां पे मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आप लिखते हो। इसीलिए जब आप लेमडा लिखते हो तो क्या लिखते हो, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन यूज करते हो, ठीक है। सो इन यूलर फॉर्मुलेशन, यूलर्स कॉलम फॉर्मूला, I is always, I minimum, ये minimum होगा, ठीक है ना। तो ये आप जब भी लिखते हो, जैसे मान लो आपने लिखा रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आप लिखते हो I minimum by A, तो ये minimum है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, minimum हो जाएगा। तो लेमडा जब आप लिखते हो, तो वहां पे के एल बाई आर मिनिमम लिखते हो। तो आई होप ये आपको क्लियरली इंडिकेट हो गया होगा कि यहाँ पे मिनिमम क्यों लिखा जाता है। नाउ इट इज क्लियर, सो नाउ दैट इज द पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में जो है पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। चलिए तो यहाँ पे एक मेरा छोटा सा आप लोगों से एक पॉइंट है, एक छोटा सा डाउट है, हालांकि ये मुझे डिस्कशन करते हैं, चलो देखते हैं कैसा रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड लिवर आर्म? छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड लिवर आर्म? हाँ जी बताइए, एवरीवन। काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे सब लोग, अक्षय, दुष्यंत, शिव, सोनू, अमन, कृष्णा, उमेश, अदिति, एवरीवन, मृत्युंजय, शिव यादव,
दुष्यंत, हैप्पी, तेजस्वी, एवरीवन प्लीज आंसर दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड लिवर आर्म? लिवर आर्म, आंसर प्लीज। चलो लिवर आर्म का मैं तुम्हें एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। आपके सबके घर में दरवाजे लगे होंगे, अगर आप डोर को सबसे एंड से अगर आप उसको क्लोज करते हैं तो बड़ा आसानी से, बहुत कम फोर्स से वो आसानी से बेंड, मतलब आसानी से बंद हो जाता है। लेकिन अगर जहां पे पिंच लगा हुआ है उसके पास में जाके अगर दरवाजे को आप बंद करना चाहेंगे, डोर को अगर बंद करना चाहेंगे, तो उतना ही मोमेंट क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहां पे लीवर आर्म यूज किया गया है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जैसे आप टॉक करते हो तो ये बेसिक क्वेश्चन में से आपसे पूछ सकते हैं, लीवर आर्म में और रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या डिफरेंस है। यादव, लीवर आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स इन रोटेशन, रोटेशन ठीक है, या मोमेंट होगा, रोटेशन होगा या मोमेंट होगा। लीवर आर्म डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, अदिल अच्छा अंसारी, रेडियस ऑफ जायरेशन इंडिकेटेड सेंटर ऑफ बॉडी, लीवर आर्म एक्सिस के दो, लीवर आर्म, शिव गुप्ता, लीवर आर्म एक्सिस के दोनों साइड के डिस्टेंस का सम। मजा वाला आंसर नहीं आया दोस्तों, मजा वाला आंसर नहीं आया। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, काफी आप स्पेशल क्लास में भी अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं आप लोगों का धीरे धीरे क्लास का लेवल जो है वो बढ़ाते जाऊंगा। आंसर दो दोस्तों, आंसर दो। अब लीवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन टेंसाइल फोर्स सेंटर टू द कंप्रेसिव फोर्स सेंटर। अब मौर्या, आप जो आंसर दे रहे हैं वो ओनली दे रहे हैं आरसीसी बीम के लिए। आई वॉन्ट जनरलाइज आंसर, आई वॉन्ट जनरलाइज आंसर। दुष्यंत, शिव गुप्ता, अमन, अक्षय, तेजस्वी, एवरीवन, यार बाकी लोग कहाँ हैं? आंसर दो, यू हैव 30 सेकंड्स टू आंसर, यू हैव 30 सेकंड्स टू आंसर। शिव गुप्ता, लीवर आर्म में दो फोर्स चाहिए। यादव, लीवर आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आप लोगों में जो आंसर दिए वो गलत किसी के नहीं है, लेकिन जनरलाइज भी नहीं है, गलत किसी के नहीं है, एक्सेप्ट, बट इसको और अच्छा किया जा सकता है। आंसर प्लीज, एवरीवन आंसर प्लीज। अंसारी, लीवर आर्म डिस्टेंस सेंटर से होता है, लीवर आर्म डिस्टेंस सेंटर से होता है, ठीक है जी, ठीक है अंसारी। और मतलब इसको और एलोबरेट करो, एलोबरेट करो। चलो 5-10 सेकंड और दे रहा हूं, 10 सेकंड और दे रहा हूं। रोटेशनल मोमेंट अबाउट वेन एक्सिस, रोटेशनल मोमेंट अबाउट वेन एक्सिस। नाउ नाउ चलो जी, चलो तो मैं सबके आंसर को सही मान लेता हूँ। चलिए, हैप्पी, रेडियस ऑफ जायरेशन इज डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ बॉडी, कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ जायरेशन, हैप्पी ने बिल्कुल सही बताया, कोई गलत नहीं है इसका, सबका आंसर सही है लगभग लगभग, कोई गलत नहीं है, किसी का भी गलत नहीं है। चलिए, जब गलत नहीं है तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से सीखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये, एग्जैक्टली है क्या। चलो भाई, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो, एवरीवन प्लीज, एवरीवन प्लीज। तो यहाँ पे आपको एक बॉडी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको एक बॉडी दिखाई दे रही होगी, हालांकि ज्योमेट्री बॉक्स है, एक बॉडी दिखाई दे रही होगी सबको। अगर मैं इस बॉडी को, अगर मैं, सब लोग आप सुनो, यहाँ पे कोई कमेंट में कुछ नहीं लिखेगा, मैं कमेंट को किसी का नहीं देख रहा। अगर ये बॉडी तुम्हारे पास में जो शो कर रहा है, इस बॉडी को अगर आप रोटेट करवाना चाहते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ये लाइन ऑफ रोटेशन है तुम्हारा, ये लाइन ऑफ रोटेशन है, इस लाइन ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में इस बॉडी को अगर आप रोटेट करवाना चाहते हैं, तब मैंने क्या किया, तब मैंने क्या किया, इस पूरी बॉडी को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी बॉडी को मैंने एक लाइन एरिया में कन्वर्ट कर दिया, और ये लाइन एरिया जिस रेडियस से रोटेट करेगा,
वो रेडियस क्या होगी, वो जिस रेडियस से रोटेट करेगा वो कहलाई जाएगी रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन में जो हैप्पी ने लिखा है वो बिल्कुल सही है कि मैम इस पूरी बॉडी को इसके सीजी पे लाइन एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसका थिकनेस कुछ नहीं होगा, तो ये जिस रेडियस से रोटेट करेगा ना वो रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है, वो रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग किस पे, लीवर आर्म पे। लीवर आर्म पे तो लीवर आर्म को हम सबसे पहले 9th या 10th या 11th क्लास से सीखते हैं, उसके बाद में अपने आरसीसी और स्टील पे आते हैं। मान लीजिए तुम्हारे पास में ये कोई एक ऐसा कुछ सेक्शन दिया गया, ऐसा कुछ ये बॉडी बना हुआ है, मुझे इस डोर को क्या करना है, इस डोर को क्या करना है, इस डोर को बंद करना है, इस डोर को बंद करना है, ये मुझे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसको मुझे क्या करवाना है, रोटेट करवाना है। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पे, कहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहाँ पे। तो अगर मैं इस डिस्टेंस से, यहाँ पे इस डिस्टेंस से मैं अगर यहाँ फोर्स लगाता हूं तो ये क्या करेगा, ये आसानी से इसको रोटेट कर देगा, यानी कि इसको मोमेंट कर देगा। मोमेंट कहाँ क्रिएट होगा, मोमेंट क्रिएट होगा यहाँ पे, इस जगह मोमेंट क्रिएट होगा, इस जगह मोमेंट क्रिएट होगा जहां से ये रोटेट कर रहा है, जहां से ये रोटेट कर रहा है। तो आप जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाते जाओगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाते जाओगे उतने ही कम फोर्स से यहाँ पे हैवी मोमेंट क्रिएट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, डोर को आप सबसे ज्यादा दूरी पे जाओ और बड़े आसानी से उसको बंद कर सकते हो, लेकिन उसी डोर को अगर जहां पे पिंच लगा है उसके पास से जाके फोर्स लगाओगे आसानी से नहीं होगा। लीवर आर्म बहुत कम हो गया, लीवर आर्म ज्यादा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कभी ट्रक के टायर खोलते हुए अगर किसी को देखा होगा, मैकेनिक को, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, जहां पे बोल्ट लगा होता है ट्रक के टायर के अंदर, उसके अंदर विंच लगा के एक पाइप जोड़ता है, उसके अंदर एक पाइप जोड़ देता है और उस पाइप के ऊपर फोर्स लगाता है ताकि यहाँ पे हैवी मोमेंट क्रिएट कर सके, यहाँ पे हैवी मोमेंट क्रिएट कर सके। फोर्स उतना ही लगा पाएगा जितनी आदमी की कैपेसिटी होगी, लेकिन यहाँ पे मोमेंट कितना क्रिएट कर पाएगा वो डिपेंड करेगा कि वहां पे उसने लीवर आर्म कितना दिया, लीवर आर्म कितना दिया है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर तुम्हें बैलेंसिंग मशीन के अंदर, बैलेंसिंग मशीन के अंदर मान लीजिए तुम्हें किसी बॉडी को बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, एक साइड हैवी वेट का कोई भी इंसान बैठा है, एक साइड हैवी वेट है, एक साइड लाइट वेट है, एक साइड 100 किलो न्यूटन है, एक साइड तुम्हारे पास में 40 किलो न्यूटन है, क्या दोनों के लिए लीवर आर्म सेम रहेगा, क्या दोनों के लिए लीवर आर्म सेम रहेगा, यस और नो? क्या दोनों के लिए एक साइड 100 किलो न्यूटन, एक साइड 40 किलो न्यूटन, दोनों को बैलेंसिंग मशीन के अंदर मुझे बराबर बैलेंस करना है, क्या दोनों के लिए, क्या दोनों के लिए लीवर आर्म सेम रहेगा, यस और नो? मतलब जहां से वो रोटेट कर रहा है वहां से दोनों का डिस्टेंस सेम रखोगे क्या, यस और नो? आंसर होगा नो, नहीं। तो किसको पास में रखोगे, किसको दूर रखोगे, फिर किसको पास रखोगे, किसको दूर रखोगे? तो तुम्हारे पास में अगर ऐसा कोई एक बॉडी दिया है, अगर ऐसा कोई एक बॉडी दिया है और इस बॉडी पे तुम्हारे पास में, इस बॉडी पे तुम्हारे पास में ये कोई एक बैलेंसिंग मशीन है, ये कोई एक बैलेंसिंग मशीन है, तो तुम्हारे पास में दो लोड लगे, 100 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन, इन दोनों को तुम्हें यहाँ पे प्लेस करना है। तो मुझे बताओ एक नंबर पे कौन सा प्लेस होगा, दो नंबर पे कौन सा प्लेस होगा? आंसर प्लीज एवरीवन, रेस्पॉन्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए शिव, अमन, मृत्युंजय, दुष्यंत, उमेश, दिव्या, क्या बात है क्या बात है, तेजस्वी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सीधी सी बात हो गई भाई, जो ज्यादा लोड वाला है वो यहाँ रखा जाएगा सपोर्ट के पास में, सपोर्ट नहीं, बैलेंसिंग रोड के पास में, ताकि ये जितना मोमेंट क्रिएट करे ये वाला भी उतना ही मोमेंट क्रिएट करके बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या बात है दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है लीवर आर्म, इसको बोला जाता है लीवर आर्म, इसको बोला जाता है लीवर आर्म। अब यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने जो है फोर्स को लेके आंसर दिया था कि भी टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को लेके उसने आंसर दिया था, अब नाम तो मुझे याद नहीं है। तो वो यही चीज है दोस्तों, वो यही चीज है, यानी कि अगर मैं बीम के अंदर देखता हूं, अगर मैं बीम में देखता हूं तो मेरे पास में बीम के अंदर अगर देखा जाता है तो बीम के अंदर तुम लोग क्या देखते हो कि तुम्हारे पास में
ये जो बीम होती है वो बीम कंप्रेशन में ऐसे कुछ लोड को रजिस्ट कर रही है, तो कंप्रेशन में फोर्स लग रहा है इस तरीके से, कंप्रेशन में फोर्स लग गया ऐसे, और टेंशन में फोर्स लगता है ऐसे, टेंशन में फोर्स लगता है ऐसे। तो जब तुम्हारे पास में दो अलग अलग नेचर के फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आप दोनों के बीच में क्या करते हो, इस बॉडी को इक्विलिब्रेट करने के लिए क्या करते हो? राइट राइट, तो क्या करते हो, सी को इसके रिस्पेक्ट मोमेंट करवा दो, टी को इसके रिस्पेक्ट मोमेंट करवा दो, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, देन ओनली आई कैन से द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये आप आरसीसी में देखते हो, ये आप आरसीसी में देखते हो, कंसेप्ट वो का वो ही है, कोई अलग नहीं है, बस अलग अलग मोड के अंदर उसको दिया गया है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड लिवर आर्म, एंड लिवर आर्म। ओके जी चलिए चलिए ओके, चलो ये कुछ पॉइंट आ गए थे बीच में, उसको डिस्कस कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास में नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू हो जाएगा लेमडा, और ये दिया जाएगा इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। राइट, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन को लेके। ओके जी ओके। तो यहां पे हम लोगों ने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अच्छे से देख लिया। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि भाई ये जो रेशियो आया है उसका जो आंसर आता है वो तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे तुम्हारे डिजाइन पैरामीटर को अफेक्ट करता है, और कैसे वो तुम्हारे फॉर्मुलेशन को अफेक्ट करता है, तो वो हो जाएगा लेमडा। तो मुझे इस रेशियो का इफेक्ट देखना है, क्या होता है इस रेशियो का इफेक्ट देखना है। ठीक है चलिए जी, तो इसको अब समझते हैं पहले और फिर बाद में इसके पॉइंट आउट लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, समझते हैं, समझने के लिए। ओके जी, तो समझने के लिए अगर हम देखें, मेरे पास में मान लीजिए कोई भी सेक्शन दिया गया है, सपोज करिए तुम्हारे पास में दो सेक्शन है, एक सेक्शन तो ये है, एक सेक्शन ये है। कल भी स्टील का मैराथन सेशन है, मैं आप सबको बता दूं सुषमा, अभी मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ लेमडा सुषमा, अभी उसी चीज पे आ रहा हूँ कि हम लिस्ट लेटरल डायमेंशन आरसीसी में क्यों लेते हैं। अभी हम लोगों ने ओनली लेमडा के इन दोनों पार्ट को कवर किया है, इन दोनों पार्ट को अलग अलग कवर किया है, ये हमने अलग सेपरेटली डिस्कस किया, ये हमने सेपरेटली डिस्कस किया। अब हम इसका जो है वो रेशियो होता है, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, उस वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है सुषमा, उसको भी हम, वो आपको क्लियरली बता दूंगा बी कैसे लिखा गया, स्टील आरसीसी में अलग अलग क्यों लिखा जाता है, सोम अलग क्यों बोलता है, सब कुछ क्लियर होगा, वेट करो। चलिए शिव गुप्ता, हाँ कल के लिए, संडे को, संडे को भी सेम 12 से 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक मैराथन होगा, सेम मैराथन होगा, मैराथन होगा सेम इसी टाइम पे। तो आप लोग इस टाइम के ऊपर प्रेजेंस रहिएगा और अपने फ्रेंड को भी रेफर करिए ताकि उनको भी अच्छा लगे ये। ठीक है यार, ये बड़ा अच्छा लगा, इसमें तो कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी बताते टाइम ऑफलाइन हो जाते हैं, बैठे रहते हैं क्या कि सर कुछ बोला ऐसा बोले हट जाओ बाहर। चलो चलो, तो ये आप समझ लेना, 12 संडे को 12 से 2 बजे तक सेम इसी टाइम पे अपना मैराथन चलेगा, वो भी स्टील पे ही, वो भी स्टील पे ही। चलिए तो पहले इसको समझते हैं, इसको समझते हैं कि क्या होता है ये इफेक्टिव लेंथ टू रेडियस ऑफ जायरेशन का जो रेशियो होता है, वो रेशियो को हमने जो डिनोट किया, वो डिनोट किया हमने लेमडा के द्वारा, लेमडा के द्वारा डिनोट किया है। लेमडा को बोला जाता है स्लेंडरनेस रेशियो, इसको, इस रेशियो को बोला जाता है स्लेंडरनेस, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। तो मुझे अब इसको समझना है कि भाई ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो
तो मेरे पास में मान लीजिए कोई भी दो सेक्शन दे रखे हैं, कोई भी दो सेक्शन दे रखे हैं। तो मान लीजिए ये तुम्हारे पास में एक सेक्शन है ऐसे। एवरीवन कंसंट्रेट करिएगा, आपको स्टील आरसीसी सोम तीनों का कॉमन पार्ट चल रहा है अभी। यहाँ पे स्टील आरसीसी से कुछ नहीं बता रहा, ओनली तीनों से कॉमन चल रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेक्शन। और इसको अगर हम देखें, हाँ चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास आई एक्स एक्स, और ये हो जाएगा आई वाई वाई, ये हो जाएगा आई वाई वाई, ये हो जाएगा वाई वाई। अब सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे आपको जो डायमेंशन गिवन है वो डायमेंशन गिवन है बी, और ये डायमेंशन गिवन है डी, ये डायमेंशन गिवन है डी। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू बनाएंगे, तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू बनेगा, दैट इज द बी और दैट इज द डी, ऐसा आप लोगों के पास बना हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग आंसर देंगे, स्पेशली सब लोग आंसर दो, स्पेशली क्या, ये जो कॉलम सेक्शन है, ये जो कॉलम सेक्शन है, ये कॉलम सेक्शन ओनली एंड पे सपोर्ट किया गया है, ओनली एंड के ऊपर सपोर्टेड किया गया, यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट किया गया एंड पे ओनली, बीच के अंदर पूरा फ्री है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा था, जब हमने ये डिस्कशन किया था, तो हमने ये कहा था कि भाई ये माइनर एक्सिस में फेल होगा, किसमें फेल होगा, माइनर एक्सिस में फेल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में ये जो मेंबर फेल होगा वो किसमें फेल होगा, वाई वाई के अबाउट फेल होगा, किसमें फेल होगा, वाई वाई के अबाउट फेल होगा। तो अगर मैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का वैल्यू अगर लिखता हूँ रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, तो आई एक्स एक्स लिखा जाता है पी बी डी क्यू बाई 12, और ये लिखा जाता है डी बी क्यू बाई 12, डी बी क्यू बाई 12, डी बी क्यू बाई 12, राइट, ये मेरे पास में यहाँ पे लिखा गया कुछ ऐसे। तो इसको समझने के लिए दोस्तों एक ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, वन सेकेंड प्लीज, हाँ जी, मैं सबको क्लियरली दिखाई दे रहा हूं पूरी तरीके से, यस और नो, सबको दिखाई दे रहा हूं मैं एकदम क्लियर, एकदम क्लियरली, यस और नो, एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, हाँ या ना, अरे भाई रेस्पॉन्स दो, यस और नो, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, तो क्लियरली दिखाई दे रहा हूं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पुटअप किए उन लोगों को क्लियरली आंसर समझाने के लिए सब कुछ एक पॉइंट कर रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं एक अपने आप में कॉलम सेक्शन हूं, आई एम द कॉलम सेक्शन, और ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन है वो डी दे रखा है, और ये जो डायमेंशन है वो बी दे रखा है, ठीक है, ये डी डायमेंशन है, ये डी डायमेंशन है, और ये डायमेंशन जो ये वाला पोर्शन है ये मेरा हो जाएगा डी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा डी, दिस इज द डी, राइट, डेप्थ, और ये हो जाएगा विड्थ बी। अब सीधी सी बात है, अगर ये बी है और ये डी है, तो आई एक्सिस जो होगा वो ये होगा, आई एक्सिस जो होगा वो ये वाला होगा इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि अगर इस कॉलम को फ्रीली आप कहीं यूज करना चाहते हैं, तब उस केस में इधर कहीं आप लोड लगाते हैं, इधर कहीं आप लोड लगाते हैं, तो जो मैं अभी सामने आपके पास बैठा हूं सेम वैसा का वैसा आप लोगों के पास में मैंने कॉलम सेक्शन बना दिया, एक कॉलम सेक्शन बना दिया, ये तुम्हारे पास में कॉलम सेक्शन है, ये कॉलम सेक्शन है, तो एक चीज बताइए, ये तुम्हारे पास में रफ डायग्राम बना रहा हूं, डोंट माइंड इट प्लीज, तो ये तुम्हारे पास में कोई सेक्शन है, यहाँ पे तुम्हें आई एक्सिस दे रखा है, अगर हैवी लोड यहाँ कहीं लग रहा है, अगर हैवी लोड यहाँ कहीं लग रहा है पी, तो मुझे एक बात बताइए, ये आई एक्सिस आपको गिवन है, तो ये मोमेंट करेगा, ये बेंट करेगा या बकल इसको रजिस्ट करेगा कुछ इसके द्वारा, करेगा नहीं करेगा, तो आई एक्स एक्स में जब आप लिखते हो तो आई एक्स एक्स में क्या लिखते हो, पैरेलल डायमेंशन एज इट इज बी, और मेनली इस फोर्स को रजिस्ट करने में जो डायमेंशन आ रही है वो डायमेंशन कौन सी आ रही है, डी, यानी कि इधर कहीं लोड लगा है तो इस पूरी डेप्थ को, इस पूरे डी को रोटेट करवाना पड़ेगा इसे, इस पूरे डी को रोटेट करवाना पड़ेगा इसे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये पूरा डी ऐसे रोटेट करेगा तब जाके ये फेल होगा, तब जाके क्या होगा, ये फेल होगा।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी पोर्शन डी वाले को पूरी तरीके से इसको क्या कराना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है, जो कि बड़ा मुश्किल है। अब अगर मैं आपको बोल देता हूं कि मेरे पास में ये को ये कॉलम सेक्शन दे रखा है ऐसे, ये कॉलम सेक्शन दे रखा है ऐसे, और सेम सेक्शन है ठीक है, और मैंने इसके अंदर यहां पे लिखा बी, यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारे पास वाई वाई एक्सिस, ये हो जाएगा वाई वाई एक्सिस, दैट इज द वाई वाई एक्सिस, और यहां कहीं लोड लग रहा है। अब लोड लग रहा है इधर, यहां कहीं इस लोड को मान लो, अब इस वाले इसको भूल जाओ, इस लोड को मानो यहाँ कहीं, यानी कि लोड लग रहा है यहाँ कहीं इधर, इधर की साइड लोड लग रहा है। तो एक बात बताओ, इधर की साइड लोड लग रहा है तो भाई इसको रजिस्ट करने के लिए ओनली ये वाला डायमेंशन काम में आ रहा है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं होगा। डायमेंशन जो रजिस्ट करेगा वो ये वाला करेगा, यानी कि जब आप आई वाई वाई लिखते हो तो आई वाई वाई आप क्या लिखते हो, आई वाई वाई आप लिखते हो डी बी का क्यूब बाई 12, यानी कि बी पैरामीटर मेनली इस रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, इस बकलिंग को रोक रहा है। मेनली कौन रजिस्ट कर रहा है, बी रजिस्ट कर रहा है, हाँ या ना। तो सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि जब मैं आरसीसी के अंदर कॉलम बनाता हूँ, आरसीसी में कॉलम बनाता हूँ, तो मेरे पास में मोस्टली कॉलम का जो डायमेंशन, मोस्टली कॉलम का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है नॉर्मली। तो रेक्टेंगल के अंदर मुझे एक बात बताओ, कौन सा पार्ट डी वाला पहले, कौन सा पार्ट पहले फेल होगा, डी पहले फेल होगा या बी पहले फेल होगा। डी पहले फेल होने का मतलब है एक्स एक्सिस आई एक्स एक्स के अबाउट फेल होना, बी के अंदर फेल होने का मतलब है वाई वाई के अबाउट फेल होना। तो जब हम आरसीसी में लिखते हैं लेमडा इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब है कि भाई उस डायमेंशन के अबाउट जो प्लेन दिया गया है उसमें सेक्शन फेल होगा, यहाँ पे जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन लिखी है, इस लेटरल डायमेंशन में जो तुम्हारा एक्सिस होगा उस एक्सिस में कॉलम सेक्शन फेल होगा, क्योंकि वो तुम्हारी माइनर एक्सिस है, वो तुम्हारी क्या है, माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस कौन सा हो गया, वाई वाई माइनर एक्सिस हो गया, और ये वाई वाई के अबाउट फेल होगा ना कि एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अभी जो सुषमा ने डाउट पूछा था, अगर वो अगर लाइव है, अभी प्रेजेंट है, तो उसको आंसर मिल गया होगा कि हम आरसीसी में लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्यों लिखते हैं। वो लिखना यही है, लेमडा जो होता है वो यही लिखा जाता है, के एल बाई आर, आर क्या होता है अंडर रूट आई बाई ए। इसको देखो, लेमडा जो दिया जाता है वो दिया जाता है के एल बाई आर से, आर क्या होता है अंडर रूट आई बाई ए, आई बाई ए, आई जो होता है वो दो दिया जाता है, बी डी क्यूब बाई 12 और डी बी क्यूब बाई 12, बी डी बी क्यू बाई 12। तो भाई जब मेरे पास में सेक्शन रेक्टेंगल है तो मैं ये सारा क्यों कैलकुलेट करूं, ये सारा क्यों कैलकुलेट करूं, सीधा ही बता दूं ना कि भाई जिसमें डायमेंशन कम है उसी प्लेन के अबाउट फेल होगा। तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। सुषमा, एवरीवन, एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया, अच्छा, लेमडा वाला पार्ट हो गया। तो लेमडा को हम देखें, लेमडा को अगर हम देखें तो क्या होगा, लेमडा को अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, लेमडा में हो जाएगा कि लेमडा के हम बात करते हैं, लेंथ ऑफ मेंबर भी कवर करते हैं और क्रॉस सेक्शन डायमेंशन भी हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कैसे, अंडर रूट आई बाई ए। तो लेमडा जो है तुम्हारा लेंथ भी कवर करता है और एरिया भी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कवर करता है। तो लेमडा इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, लेमडा इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ना कि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। ओके ओके, तो पहला पॉइंट हो जाएगा लेमडा के अंदर स्लेंडरनेस रेशियो में, स्लेंडरनेस रेशियो में हम जो लिखते हैं वो क्या हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो के अंदर दैट इज द लेमडा, और ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा इट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी,
ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन, इट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्शन, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है लेंथ, विड्थ और थिकनेस, तीनों पार्ट तुमने इसके अंदर कवर किया है। लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों पार्ट इसमें कवर किया है। अब दूसरा पॉइंट, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर किसी मेंबर के लिए लेमडा ज्यादा है, देखो कॉमन सेंस लगा के आंसर देना, चीजें ईएस के ऑब्जेक्टिव बनेंगे तुमसे। अगर पहले से कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया है वो भी समझ के आंसर दे देगा, तो सोच समझ के आंसर देना। अगर किसी मेंबर का लेंथ ज्यादा है और क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कम है, यानी कि आर कम है, तो वो मेंबर क्या अपनी मटेरियल, जो मटेरियल मैंने लगाया उस कॉलम के अंदर, क्या उस मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी यूज करेगा? अगर किसी मेंबर के लिए लेंथ ज्यादा है और आर कम है, लेंथ ज्यादा है आर कम है, क्या ये कॉलम, इस कॉलम में जो मटेरियल लगाया गया है उस मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी को यूज करेगा? पूरी प्रॉपर्टी का मतलब है कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी है वहां तक लोड लेगा, यस और नो? अक्षय नो, शिव नो, दुष्यंत नहीं, नहीं नहीं, तेजस्वी नहीं, ठीक है, पवन गणेशा, चलिए जी पवन गणेश, वेरी गुड, नहीं नहीं, सबका आंसर बिल्कुल सही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है कि ये बिल्कुल नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो जितना ज्यादा लेंथ होगा और आर कम होगा तो वो अपने आप में बहुत सिलेंडर सेक्शन बन जाएगा, और सिलेंडर सेक्शन किस में फेल होगा? बक्कल में फेल होगा, सिलेंडर सेक्शन बक्कल में फेल होगा, और वो मेटल की पूरी प्रॉपर्टी यूज नहीं करेगा। क्यों यूज नहीं करेगा? क्योंकि जब वो बक्कल होगा ना, तो इस एक्सट्री फाइबर में जो स्ट्रेसेस आइए, वो स्ट्रेसेस FY से बहुत कम होगी, तो वो पूरी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएगा। ये लेमडा को ज्यादा करके हमने डिस्कशन किया। अब उसके उल्टा दोबारा दूसरे एंड पे आ जाओ। अगर किसी सेक्शन के लिए लेंथ कम है, आर ज्यादा है, समझ रहे इस चीज को, लेंथ कम है आर ज्यादा है, तब उस केस में एल कम है आर ज्यादा है, यानी कि लेमडा का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गया, तो वो सेक्शन जो कॉलम है, वो कॉलम क्या अपनी पूरी प्रॉपर्टी को यूज करेगा? यस और नो? पवन अभी आप सुनो, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट अभी आपको बता दूंगा, कब यूज करेगा कब नहीं करेगा, प्लीज वेट, जो आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर दो दोस्तों। अगर किसी कॉलम का लेंथ कम है, आर ज्यादा है, तो वो कॉलम अपनी पूरी प्रॉपर्टी यूज करेगा? यस और नो? आंसर होगा यस। तो पूरी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, इसका मतलब फेल होने तक जितना उसका प्रॉपर्टी था उतना उसने लिया, उसके बाद में फेल हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? फेल हो गया। इट मीन्स लेमडा जो होता है तुम्हें फेलियर नेचर भी देता है। लेमडा क्या देगा? लेमडा तुम्हें फेलियर नेचर भी देता है कि भाई लेमडा के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सा कॉलम बक्कल में फेल होगा, कौन सा जो है वो क्रशिंग में या यील्डिंग में फेल होगा, या फिर कौन सा कॉलम जो है वो बकलिंग में या यील्डिंग दोनों के बीच में इंटरमीडिएट में फेल होगा। सो द फेलियर नेचर ऑफ द कॉलम मेंबर इज गिवन बाय द स्लेंडरनेस रेशियो, इज गिवन बाय द स्लेंडरनेस रेशियो। ये एक एंड की बात है। दूसरे एंड पे मैं ये कह सकता हूं, स्लेंडरनेस रेशियो आल्सो इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज बाय द रेस्पेक्टिव कॉलम। एक साइड में मैंने ये बोल दिया, दूसरे साइड में इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, स्लेंडरनेस रेशियो आपको ये भी इंडिकेट करता है कि भाई किस कॉलम ने कितना प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज किया है, किसने कम किया, किसने ज्यादा किया, किसने इंटरमीडिएट में किया, ये भी लेमडा का वैल्यू शो करता है, ये भी लेमडा का वैल्यू शो करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पॉइंट हो जाएगा सेकेंड पॉइंट, वो क्या हो जाएगा? स्लेंडरनेस रेशियो, यानी कि इट इंडिकेट
द फेलियर नेचर ऑफ द कॉलम फेलियर नेचर ऑफ द कॉलम फेलियर नेचर का मतलब है कि भाई ये जो है फेलियर नेचर का मतलब क्या हो गया, फेलियर नेचर का मतलब ये हो गया कि यार ये बकलिंग में फेलियर देगा, बकलिंग फेलियर देगा या फिर यील्डिंग फेलियर देगा या फिर क्रशिंग फेलियर देगा, क्रशिंग फेलियर देगा ईटीसी। इनमें से कौन सा फेलियर देगा ये डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, लैम्डा डिसाइड करता है। अब ये कैसे वैल्यू कैसे होगा वो हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट को और एलोबरेट करते हैं, और एलोबरेट करते हैं। ओके जी, सो द लैम्डा नाउ नाउ इट इंडिकेट द फेलियर नेचर ऑफ द कॉलम। सो नाउ वी आर हम कॉलम के फेलियर नेचर को देख रहे हैं कौन सा कैसे होगा। तो पहला इसके अंदर देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का पहला पॉइंट है जी ये। तो सेकंड का पहला पॉइंट क्या होगा, इफ लैम्डा इज मोर, इफ लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो इज मोर, इफ लैम्डा इज मोर, हाँ अच्छा कन्वे इन इंग्लिश सर इफ यू विश, हैप्पी सर यील्डिंग प्लीज एलोबरेट, राम हिंदी रेंदो। चलिए दोस्तों मैं इसको जो है वो ये सारे पॉइंट अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैंने अभी इसको फिनिश नहीं किया है। तो जस्ट जब मैं आपको बोलता हूँ कि अब कोई डाउट है तब आप लोग अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तब तक मुझे विश्वास है कि आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है ना हैप्पी। सो आपको डाउट सारे आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, वेट करिए वेट करिए। तो हाँ इंग्लिश और हिंदी को लेके, तो यहाँ पे यार दोस्त हम टेक्निकल वर्ड तो मैं वैसे इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, और बाकी अगर आप जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप डिस्कस कर लीजिए, दोबारा पूछ लीजिए, आई कैन एक्सप्लेन, नो इश्यू। चलो टॉपिक पे आओ, स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग। यहाँ देखो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको कि अगर लैम्डा ज्यादा है, इफ लैम्डा इज मोर, इफ लैम्डा इज मोर, तब उस केस में कॉलम जो हो जाएगा तुम्हारा, कॉलम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेंडर कॉलम, सिलेंडर कॉलम, लॉन्ग कॉलम, सिलेंडर कॉलम, लॉन्ग कॉलम, ये हो जाएंगे दिस वन। तो इनका जो फेलियर नेचर होगा, इनका जो फेलियर नेचर होता है, दिस कॉलम, दिस कॉलम will fail in buckling or elastic failure, buckling or elastic failure, elastic failure, buckling or elastic failure, buckling or elastic failure, ठीक है। तो बकलिंग आप अच्छे से जानते हो, बकलिंग आप अच्छे से जानते हो कि बकलिंग क्या होता है, बकलिंग हो जाएगा कि अगर तुम्हारे पास में यहाँ पे कोई कॉलम सेक्शन है और वो कॉलम सेक्शन कुछ ऐसे लेटरल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो उसको हम बकलिंग फेलियर बोलते हैं, ये हो जाएगा बकलिंग फेलियर, दैट इज कॉल्ड बकल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बकल, ठीक है। अब इलास्टिक फेलियर क्या होता है, इलास्टिक फेलियर होता है कि जब ये बकल हुआ तो यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेसेस जो हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर में जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर, स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर, स्ट्रेसेस एट एक्सट्रीम फाइबर, जिसको डिनोट कर रहा हूं मैं ईएफ के द्वारा, एफ के द्वारा, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम फाइबर यानी कि यहाँ पे जो एफ स्ट्रेसेस आई है, एफ डेफिनेटली लेस देन लेस देन लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एफ वाई से कम होगा। एफ वाई से क्या रहता है, बहुत कम रहता है एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेसेस। जब ये एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेसेस एफ वाई से बहुत कम है, एफ वाई से अगर बहुत कम है, तो मेरे पास में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ओह गलत बना दिया, गलत बना दिया,
वो ग्राह बनेगा कुछ ऐसा, वो ग्राह बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास पॉइंट शो करता है एफ वाई को लेके, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास एफ पॉइंट। और यहां तक की रेंज को हम बोलते हैं इलास्टिक रेंज, यहां तक की रेंज को हम क्या बोलते हैं इलास्टिक रेंज। तो इसको जब इलास्टिक रेंज में अगर फेल हो रहा है तो इलास्टिक फेलियर भी इसको बोला जा सकता है, इलास्टिक फेलियर भी इसको बोला जा सकता है। ओके जी, ओके जी राम सुदन, देयर विल बी मोर स्ट्रेसेस इंडक्शन एट द पॉइंट ऑफ बकलिंग। नो नो डियर, व्हेन द कॉलम सेक्शन विल बकल, व्हेन द कॉलम सेक्शन विल बकल द स्ट्रेसेस इन एक्सट्रीम फाइबर डेफिनेटली लेस देन इक्वल लेस देन एफ वाई, लेस देन एफ सॉरी सॉरी लेस देन एफ वाई, लेस देन एफ वाई। एफ वाई से क्या होगा, बहुत कम स्ट्रेसेस रहती है, बहुत कम स्ट्रेसेस रहती है। एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ वाई से बहुत कम होगा बकलिंग फेलियर में, बकलिंग फेलियर में। नाउ लेट मी शो यू वन एग्जांपल, लो दिस, लुक एट दिस, ये सबको दिखाई दे रहा है, ये कॉलम सबको दिखाई दे रहा है। इस कॉलम पे जब आप कंप्रेशन लोड लगाते हो रामसुदन, व्हेन यू अप्लाई द कंप्रेसिव लोड देन द कॉलम विल बकल लाइक दिस, कॉलम विल बकल लाइक दिस। कैन यू प्लीज टेल मी कि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर में जो स्ट्रेसेस हैं, क्या वो एफ आई तक पहुंच गई है? आंसर होगा नो, यहाँ पे स्ट्रेसेस एफ आई तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है लॉन्ग कॉलम के अंदर, इसीलिए उसको इलास्टिक फेलियर बोला जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं इलास्टिक फेलियर बोलते हैं। गॉट इट, गॉट इट। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये जो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है क्या वो सही है, क्या क्या वो सही है क्या? दो ग्राफ है मेरे पास, एक ग्राफ तो ये, एक ग्राफ ये, किस ग्राफ के ऊपर मुझे इसको शो करना चाहिए था, ये जो एफ और एफ आई को मुझे ए ग्राफ पे शो करना चाहिए था या बी ग्राफ पे शो करना चाहिए था, किस ग्राफ पे मुझे इसको शो करना चाहिए था, ए पे या बी पे? Everyone please response. ये वो क्वेश्चन है जहां पे तुम्हारा प्रीवियस पार्ट जो सिखाया गया वो भी डिस्कस, जो रिवीजन होगा और तुम्हारा माइंड भी वर्क करेगा। मेरी क्लास में आप लोगों को माइंड एक्टिव होना चाहिए तभी आप मेरी क्लास में बैठे हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, एवरीवन रिस्पॉन्स, एवरीवन प्लीज, एवरीवन प्लीज। अबे यार नहीं सर, नहीं बस अज्यूम करते हैं कि एफ आई अल्टीमेट के। शिव गुप्ता नहीं नहीं नहीं, नहीं। शिव गुप्ता ने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आंसर नहीं दिया जी, सही बेकार आंसर दिया। हाँ जी, कौन से ग्राफ पे शो करूंगा मैं इसके, और एफ और एफ आई को किस में शो करूंगा, ए पे या बी पे, ए पे या बी पे? चलिए चलिए, तो ए किस किसने दिया, ए दिया है जी, ये दिया है दुष्यंत, उमेश, शिव गुप्ता, इन्होंने ए दिया है। भाई आप गलत हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है वो सही है, बाकी गलत है। जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा है दुष्यंत, उमेश एंड शिव गुप्ता, ये तीन लोग सही है, बाकी गलत है। सुषमा राइट, अब तो खैर आंसर सही होगा इस सबका, ये सही है। अरे भाई हम लोगों ने, आपको याद होगा ना, आपको याद होगा स्टार्टिंग के अंदर जब हमने टेंशन और कंप्रेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो एफ तक हमें ये टेंशन का ग्राफ बना था और ये बना था तुम्हारे पास कंप्रेशन का ग्राफ, ये कंप्रेशन का ग्राफ है, ये टेंशन का ग्राफ है, ऐसे कुछ ग्राफ बनाए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स, हम किस मेंबर की बात कर रहे हैं, कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेसेस हम कौन से ग्राफ पे शो करेंगे, कंप्रेशन मेंबर पे करेंगे। आपका रीजन सही नहीं है दोस्त, आपने एक वर्ड गलत लिख दिया, अल्टीमेट नहीं लिखना चाहिए था आपको, शिव गुप्ता आपको अल्टीमेट नहीं लिखना चाहिए था। सो सबको समझ में आ गया वाई ए इज द राइट, ए इज द राइट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कंप्रेसिव फोर्स, वी आर डीलिंग विद द कंप्रेसिव फोर्स एंड द कंप्रेशन के लिए जो ग्राफ होता है वो ये वाला है, तो मैं इसी के अंदर शो करूंगा ना, इसमें शो नहीं करूंगा मैं, टेंशन वाले में शो नहीं करूंगा, तो इसके ऊपर शो नहीं होगा, ये इसके ऊपर शो होगा। ओके ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास हो गया पहला पॉइंट जिसके अंदर हम लोगों ने लिखा लेमडा ज्यादा है तो वो
सिलेंडर कॉलम होगा, लॉन्ग कॉलम होगा और उसके अंदर ये बकलिंग और इलास्टिक फेलियर देगा, बकलिंग और इलास्टिक फेलियर देगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बी पॉइंट, बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट का ही। अरे शॉर्ट कॉलम पे रुक जाओ, हल्क अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं शिव गुप्ता, अभी बता रहे हैं। ऐसा है जी, बोसिंजर इफेक्ट में इसलिए नहीं करता, बोसिंजर इफेक्ट जो आता है सुषमा वो आता है तुम्हारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के अंदर या समवॉट इन प्लास्टिक यील्डिंग जोन के अंदर। सुषमा बोसिंजर इफेक्ट जो आता है वो आता है तुम्हारा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में या फिर प्लास्टिक यील्डिंग जोन के अंदर, मोर एंड मोर ये आता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के अंदर, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के अंदर। एंड हियर वी आर कंसिडरिंग द स्ट्रेसेस मैक्सिमम FY तक कर्व जो है वो दोनों में लीनियर है, दोनों में लीनियर है। तो बोसिंजर इफेक्ट इलास्टिक जोन में बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इट अकर इन द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन और प्लास्टिक यील्डिंग जोन, बट मोर एंड मोर ज्यादा जो होता है वो इसमें होता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के अंदर। सुषमा चलिए ठीक है, ओके जी आगे बढ़ते हैं। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों को तो फिर अच्छा मतलब प्लस पे भी स्पेशल क्लास पे जो वहां पे भी आइए और प्लस पे भी आइए, अगर इतना आप नॉलेज रखते हैं डिस्कशन करते हैं देन यू मस्ट बी पार्ट ऑफ द प्लस। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में लेमडा ज्यादा है उसको लेके हमने सारा पॉइंट लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं लेमडा कम के लिए, लेमडा अगर लेस रहता है तो इफ लेमडा इज लेस तब उस केस में क्या होगा, लेमडा अगर कम है तब उस केस में कॉलम हो जाएगा शॉर्ट कॉलम स्टोकी कॉलम STOCKY स्टोकी कॉलम और स्टब कॉलम STUB स्टब कॉलम ठीक है ना। तो कॉलम जो हो जाएगा तुम्हारे पास वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा, स्टोकी कॉलम होगा, स्टब कॉलम होगा। ये जो नाम देगा ये जो है ये सारे के सारे शॉर्ट कॉलम है भाई, शॉर्ट कॉलम के नाम है ठीक है। तो इनको ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है कि स्टोकी क्या है वगैरह वगैरह, ये सारे शॉर्ट कॉलम है। और शॉर्ट कॉलम जो होता है ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आते हैं, एक बात बताओ शॉर्ट कॉलम जो होता है वो कब फेल होगा, वो फेल होगा जब वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी यूज कर चुका होगा, जब वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी जितना उसका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ पूरा यूज कर चुका होगा, उसके बाद में फेल होगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम जो हम ले रहे हैं, अब देखो यहाँ पे कॉलम जो हम ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास RCC में भी कॉलम है, RCC के अंदर भी तुम लोग कॉलम की बात करते हो, स्टील के अंदर भी कॉलम की बात करते हो और सोम के अंदर भी कॉलम की बात करते हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तीनों में कॉलम की बात करते हो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फेलियर नेचर देखें शॉर्ट कॉलम का तो आरसीसी में फेलियर नेचर ऑफ शॉर्ट कॉलम इन सबके लिए, शॉर्ट स्टोगी और स्टब इन सबके लिए तो भाई आरसीसी के अंदर मेरे पास में जो मटेरियल लिया गया है वो लिया गया कंक्रीट, और कंक्रीट अपने आप में खुद एक सिंगल मटेरियल नहीं है, वो है एग्रीगेट सेंड सीमेंट से मिक्स करके बनाया हुआ एक मटेरियल है। वो जब अपना मैक्सिमम प्रॉपर्टी जाएगा यानी कि FCK तक जब जाता है तो उसके बाद के अंदर वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है। तो आरसीसी में शॉर्ट कॉलम जो होता है वो कौन सा फेलियर देता है, वो फेलियर देता है क्रशिंग फेलियर देता है। आरसीसी में कौन सा फेलियर देगा, क्रशिंग फेलियर देगा, क्योंकि तुम्हारे पास कंक्रीट जो है हेटरोजीनियस होता है, बिल्कुल 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 हेटरोजीनियस मटेरियल होता है।
रियल में ये होता है, बट हम अजम्पशन में इसको होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक लिख देते हैं। रियल में हेट्रोजीनियस होता है, बिल्कुल सही है शिव गुप्ता, बट हम उसको अजम्पशन के अंदर आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस लिख के बात करते हैं। स्टील में जो कॉलम शॉर्ट कॉलम फेल होता है, स्टील के अंदर देखिए, स्टील में मैंने आप लोगों को अभी टेंशन मेंबर हुआ नहीं है यूट्यूब पे, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। स्टील के अंदर हम लोग अच्छा अजम्पशन एलएसएम के बारे में बता चुका हूँ। तो भाई स्टील के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्टील के अंदर मेरे पास में एलएसएम के करस्पॉन्डिंग, ये समझने वाला पार्ट है भाई, एलएसएम के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो फेलियर लेते हैं वो फेलियर लेते हैं, क्या क्या लेते हैं कि अगर मेरे पास में ग्रोस एरिया अगर होता है तो उसको फेल माना जाएगा एफ वाई पे, अगर नेट एरिया फेल होता है तो उसको माना जाएगा एफ यू पे। आपको याद होगा ये सबको, यूट्यूब एंड प्लस दोनों को, ग्रोस एरिया पे फेलियर होता है एफ वाई और नेट एरिया पे फेल मानते हैं हम। नेट एरिया अगर मैं कंसिडर करता हूँ कैलकुलेशन में तो उसका फेलियर मानूंगा एफ यू पे, ग्रोस एरिया अगर कैलकुलेशन में ले रहा हूं तो उसको फेल मानूंगा मैं एफ वाई पे। तो कॉलम सेक्शन का जब मैं स्टील में फॉर्मुलेशन करता हूँ, कॉलम सेक्शन का जब स्टील में फॉर्मुलेशन करता हूँ तो वहां पे जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ पी इक्वल टू पी सी इक्वल टू ए जी इन टू सिग्मा ए सी डब्ल्यू एस एम के अंदर या फिर एफ सी डी एल एस एम के अंदर, दोनों एक ही बात है, हमें इससे भी मतलब नहीं है सिग्मा ए सी और एफ सी डी से, हमें मतलब है किससे, हमें मतलब है इस वाले पोर्शन से एजी से। तो जब हमने स्टील के अंदर ग्रोस एरिया लिया है, जब हमने ग्रोस एरिया लिया है तो ग्रोस एरिया का फेलियर जो माना जाता है वो फेलियर माना जाता है एफ वाई पे, कहां माना जाता है एफ वाई पे। तो ये तुम्हें देगा यील्डिंग फेलियर, ये तुम्हें क्या देगा यील्डिंग फेलियर, यील्डिंग फेलियर। तो यहां पे तुम्हारा एक डाउट आ सकता है, वो डाउट आ सकता है किस तरह आप इसको जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, आपने ओनली एलएसएम को लेके ये लिखा है, व्हाट अबाउट द डब्ल्यूएसएम, व्हाट अबाउट द डब्ल्यूएसएम। तो डब्ल्यूएसएम तो डब्ल्यूएसएम को तो वैसे ही नहीं सोचना, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि वो एफवाई के अंदर अंदर ही काम करता है। डब्ल्यूएसएम जो होता है ये यूट्यूब और प्लस दोनों को पता है कि भाई डब्ल्यूएसएम जो होता है वो एफवाई के अंदर अंदर ही काम करता है, एफवाई के आगे वो काम ही नहीं करता डब्ल्यूएसएम। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा दिस वन। तो ये दिया जाता है यील्डिंग फेलियर, यानी कि स्टील के अंदर जो कॉलम लिया गया है वो कॉलम लिया गया है, ग्रोस एरिया हमने कैलकुलेशन में कंसिडर किया और ग्रोस एरिया पे फेलियर लिया गया है एफ वाई, एफ वाई। ठीक है, सोम जो बात करता है, सोम इन दोनों को लिख देता है, नॉर्मली सोम क्रशिंग को लेके बात करता है, नॉर्मली सोम इसी को लेके बात करता है कि क्रश हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन एवरीवन ओके। अच्छा कोई डाउट हो बताओ इसमें किसी को भी, इसमें किसी को डाउट हो बताइए, इसमें किसी को डाउट हो बताइए, इसमें किसी को डाउट हो बताइए प्लीज। शिव गुप्ता का डाउट है इसका रीजन, क्या करते हो गुप्ता जी, क्या करते हो गुप्ता जी, शिव गुप्ता, अरे यार आपने एलएसएम के अंदर जब हमने ग्रोस एरिया वाला पार्ट देखा था, ग्रोस एरिया वाला पार्ट देखा था तब हमने ये कहा था कि भाई अच्छा शिव गुप्ता आप प्लस पे आते, प्लस पे हो गया आप, ये शिव गुप्ता आर यू आपने प्लस का प्लान ले रखा है, टेल मी। एक सिंपल इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने टेंशन मेंबर प्लस पे डिस्कस कर लिया है और वहां पे इसके सबका रीजन दिया है, मैंने सबका रीजन दिया है। अच्छा अच्छा नहीं नहीं नहीं, तब तो फिर आपको रुकना पड़ेगा दोस्त, तब तो रुकना पड़ेगा भाई। जिन लोगों को अच्छा इसका आंसर मैं कोशिश करूंगा टेंशन मेंबर में YouTube पे ही, YouTube पे जब मैं टेंशन मेंबर बताऊंगा तब इसको अच्छे से एलोबरेट कर दूंगा, क्योंकि अभी हम इसको अगर मैं डिस्कस करूंगा ना तो पूरा का पूरा भी टेंशन मेंबर पे चले जाएंगे, हम टेंशन मेंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर छोड़िए, अभी आप ये मान के चलिए, ये मान के चलिए कि ग्रोस एरिया एफ वाई पे फेल होता है और नेट एरिया जो है वो, नेट एरिया जो होता है वो एफ यू पे फेल माना जाता है। अगर मैं कैलकुलेशन में नेट एरिया लूंगा
तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस एफयू तक लूंगा मैं, और अगर मैं कैलकुलेशन में ग्रोस एरिया लेता हूं तब मैं उसका एफवाई पे फेल मानूंगा। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं प्लस पे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। हल्क, अगर मटेरियल टिम्बर है तो यार हल्क मैं स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं और स्टील के अंदर टिम्बर का कोई कॉलम नहीं लगता है, स्टील में टिम्बर का कोई कॉलम नहीं लगता है, तो विल डिस्कस सेपरेटली, ठीक है। हल्क, चलिए चलिए टॉपिक से रिलेटेड पूछिए ताकि आई कैन आंसर दैट आंसर यू। यील्डिंग एक्सप्लेन वन सर, यील्डिंग 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 वाला देखो भाई, सीधी सी बात है, जहां पे मैं ग्रोस एरिया लूंगा कैलकुलेशन में तो वहां पे फेलियर माना जाएगा, यील्डिंग फेलियर कहां माना जाएगा, यील्डिंग फेलियर पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉलम का जो फेल होता है, क्रशिंग फेलियर लिखा जाता है आरसीसी के अंदर, और स्टील में जो कॉलम फेल होता है, शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है यील्डिंग के अंदर। यील्डिंग में क्यों फेल होता है, क्योंकि सर हमने ग्रोस एरिया लिया है। अब ग्रोस एरिया पे यील्डिंग पे ही क्यों फेल होता है वो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, उसके लिए या तो प्लस पे आ जाइए, टेंशन मेंबर के फिनिश हो चुका है तो वी कैन फाइंड द टाइम, और या फिर वेट करिए। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख चुके हैं ये वाला। चलो चलो तो अब देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, अब हम लिख रहे हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नहीं नहीं कभी क्रश नहीं होता, कभी क्रश, अरे स्टील क्रश इसलिए नहीं होता क्योंकि क्रश होने के लिए तुम्हें मटेरियल को पूरा का पूरा ब्रेक, पार्टिकल में ब्रेक होना होता है, कॉलम उससे पहले बकल डक्टाइल में फेल हो जाएगा, एफआई के बाद में वो एलोंगेट हो जाएगा, वो फेल पार्ट दो पार्ट में टूटता ही नहीं है, बहुत रेयर रेयर चांस होता है कि स्टील दो पार्ट में टूट जाए। यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताता हूँ, आरसीसी में हम लोग ये बोलते हैं, आरसीसी का एक पॉइंट है, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए याद आ गया। आरसीसी में हम लोग ये लिखते हैं कि भाई अगर कोई भी मेंबर अंडर एनफोर्स होता है तो वो तुम्हारा डक्टाइल फेलियर देता है, यानी कि उसमें स्टील पहले फेल होती है, और ब्रिटल होता है तो उसमें कॉन्क्रीट पहले फेल होती है और वो तुम्हें ब्रिटल फेलियर देता है। ये ओनली थ्योरिटिकल पार्ट है, आप जितने भी स्ट्रक्चर फेल हुए हैं उन स्ट्रक्चर के अंदर देखना कभी भी स्टील रेनफोर्समेंट कभी भी दो पार्ट में ब्रेक नहीं हुआ है, चाहे वो अंडर में बनाओ चाहे वो ओवर में बनाओ, स्टील रेनफोर्समेंट एक या दो कंडीशन, एक्सेप्शनल कंडीशन को छोड़ दो तो अलग बात है, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर कभी भी स्टील स्ट्रक्चर में जो रेनफोर्समेंट लगा है वो दो पार्ट में नहीं टूटता है, नेवर बी। कॉन्क्रीट ही रियल में फेल होता है, दैट इज अ रियल सिनेरियो, बट थ्योरिटिकली हम लोग स्टील को फेल मान लेते हैं, कई बार कॉन्क्रीट को फेल मानते हैं, बट वो थ्योरी है जो हमें फॉलो अप करना है, बट इन द रियलिटी देर आर समथिंग डिफरेंट, ठीक है। चलिए चलिए ओके जी, चलिए जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ तो यहाँ पे मेरे पास में ये सारा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम अगर इसको कंक्लूड करें, अगर इसको हम कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में हो जाएगा पहला पॉइंट, इफ लेमडा इज मोर लेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर लेमडा ज्यादा है तो न्यूज प्लस, सर मैं प्लस पर हूं, कितना अमाउंट लगता है, चलिए अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, वेट करिए। दूसरा हो जाएगा, अगर इफ लेमडा इज लेस
अगर लेमडा लेस है, लेमडा अगर लेस है तब उस केस में, मोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज, मोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूज एंड हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, मोर लोड कैरिंग कैपेसिटी, अब यहां से ईएससी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, यहां से ईएससी जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दीजिए कि भाई अगर मुझे बेटर डिजाइन करना है तो लेमडा क्या रखना चाहिए, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। फॉर बेटर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द लेमडा मस्ट बी एज मिनिमम एज पॉसिबल या एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। फॉर बेटर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द लेमडा मस्ट बी, लेमडा कैसा होना चाहिए, लेमडा कैसा होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल और एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। आंसर हो जाएगा जितना कम से कम होगा उतना ही बेटर डिजाइन होगा और ये ईएससी का ऑब्जेक्टिव है, तो ये हो जाएगा, नोट करके इसको लिख लेते हैं, फॉर बेटर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, द लेमडा मस्ट बी, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ये ईएससी का ऑब्जेक्टिव है जो आपके पेपर में आया हुआ है, राइट राइट। चलिए जी, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आईएस कोड ने, आईएस 800 2007 गिव्स द लिमिट फॉर, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए आईएस कोड ने क्या दे रखा है, एक लिमिट दी है, तो वो क्या लिमिट है, कैसे है, तो वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, चलिए जी, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कैसे उसको हम डिजाइन में कंसिडर करते हैं, और इसका एक टेबल है जो आपको याद रखना है, लेकिन मैं आपको टेबल सीधा टेबल की फॉर्म में नहीं लिखाऊंगा, उसको कुछ अलग मोड के अंदर आपको बताया जाएगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें और जान सकें, ठीक है। चलिए जी, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द, अबाउट मी एंड अनअकेडमी प्लेटफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, दो जो आर न्यू उन लोगों के लिए, और जिन जो लोग ऑलरेडी जान रहे हैं वो भी इसको जान ले। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ बाबूलाल जांगिड, और मेरा एमटेक आईआईटी मद्रास से स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर आपको रियल में स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट सीखना है, जानना है, और उसको अगर आपको जो है वो फील करना कि जो आपको बताया जा रहा है, आपने अगर मैटर देखा होगा यहाँ पे, तो ये सारा मैटर यहीं से मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को रियल जो चीज होती है वो आपको सिखाई जाती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द, अंडरस्टैंड कंसेप्ट इन बेटर वे, जो रियलिटी में होता है, राइट। तो जैसे आप आरसीसी के अंदर जो बुक फॉलो करते हो देवदास मेनन सर की, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर देवदास मेनन सर की बुक फॉलो करते हो, ये सर हमें पढ़ाए हुए हैं। अरुल जयचंद्रन सर हैं जो स्टील स्ट्रक्चर का जो कोड है, उनके जो कोड IS 800 2007 है उसकी कमेटी के मेंबर हैं, एन सुब्रमण्यम बुक के रिव्यू के अंदर वो पार्ट रहे हैं। तो
तो ये जो प्रोफेसर हैं जो लोग आईएएस कोड बनाते हैं वो हमें पढ़ाए हुए हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप जब क्लास में आते हैं तो पूछिए जितना पूछ सकते हैं, जानिए जितना जान सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन की वजह से हम वो पार्ट छोड़ देते हैं, लेकिन जो रियल में एग्जाम में पूछा जाता है वो लेवल यही होता है कि आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए, हर एक पार्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के अंदर फ्रॉम मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील, इन पांचों सब्जेक्ट के अंदर आप ये मान के चलिए कि जहां पे भी जिस सब पॉइंट को आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि सर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिखा हुआ क्या है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन इन द वेरी वेरी सिंपल मैनर। जैसे अभी हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, हर एक पॉइंट को बारीकी से डिटेल में सीख रहे हैं, ताकि मान लो नया क्वेश्चन कुछ आता भी है तो हम लोग उसको समझ के आंसर दे सकें, राइट। सो जनरली मैं स्ट्रक्चर का सारा सब्जेक्ट कवर करता हूँ। अगर आपको प्लस पे आना है, इफ यू आर फीलिंग समथिंग गुड हियर देन कम ऑन द प्लस, देयर मोर डिस्कशन और मोर चीजें होती है क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो जहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे और भी ज्यादा चीजें निकल के आती हैं जो हम लोग बता सकते हैं। जहां इंटरेक्शन नहीं होता है हम लोग उतना ही बताते हैं जितना हमें बताना होता है। चलिए, तो अगर प्लस पे आना है तो प्लस पे आने के लिए आपको कोड यूज करना BL10 या BL20 जो आपको सही लगे, दोनों में 10% का डिस्काउंट है। प्लस पे जो है आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा जिसका स्केड्यूल आपको पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब फिनिश होगा, कब स्टार्ट होगा। क्रेश कोर्स डिजाइन किया गया है, RIB बेस भी डिजाइन किया गया उन बच्चों के लिए जिनको सब्जेक्ट थोड़ा बहुत बनता है और उनका रैंक नहीं बना है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस किए होंगे लेकिन वो नहीं किए जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम के पेपर आप देखते हो तो हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, आपको तैयार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए नहीं होना है, आपको तैयार होना है नए क्वेश्चन के लिए। तो इस क्लास के अंदर मैं कई बार कई जगह ऐसी कोशिश करता हूँ जहां पे नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसका भी थ्योरी आपको मैं बताऊं, उसका भी कंसेप्ट आपको बताऊं, ताकि जो पेपर में तुम्हें नया क्वेश्चन मिले वो तुम आसानी से बना सको। बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन रखा गया है और हर चौथा क्लास एवरी वीक हर संडे को टेस्ट होता है। प्लस ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसीजर है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, गोल सेलेक्ट करिए गेट एंड DSC, क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड चूज द प्लान बिटवीन 12 मंथ एंड 24 मंथ ओनली। इफ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक द एग्जाम और वॉन्ट टू गेन द नॉलेज देन सेलेक्ट दिस प्लान ओनली 24 मंथ। और ये कोई ज्यादा बड़ा प्लान नहीं है, ज्यादा इसमें कोई ज्यादा फीस भी नहीं लग रहा है। यहाँ पे फीस दिया गया 30,000, अगर आप BL10 कोड अगर यूज करेंगे तो ये फीस डिडक्ट होके कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। 2 साल के लिए है ये, आपको सोचिए जहाँ पे आप लोग एक बहुत बड़ा सम देके जो है ऑफलाइन में अगर आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको 2 साल के लिए इतने से अमाउंट के अंदर सब कुछ मिल रहा है। दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। जिसको फाइनेंशियल इश्यू है, जो सोच रहे हैं कि सर हमें जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना वगैरह, तो उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है, आप बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड जो है वो ले सकते हैं। आपको ₹1,125 पर मंथ पे करना है और कुछ नहीं करना है, ₹1,125 ओनली पर मंथ, इतना आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मोड ऑफ द पेमेंट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड EMI ऑप्शन आल्सो, ठीक है। और ये 1 ईयर का प्लान शो किया गया जिसका फीस 25,000 था और BL10 कोड यूज करने से जो फीस हो गया वो 22,500 हो गया। ये 1 ईयर का है, ठीक है। 2 ईयर के लिए आपको जो है 27,000 होगा, राइट, 27,000। नाउ दीज आर द सम फेसबुक ग्रुप जहाँ पे आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर पर्सनली किसी को कुछ डिस्कस करना है देन सर्च द नेम बाबूलाल जांगिर एंड सेंड द फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड डिस्कस मी एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। हियर दिस इज द टेलीग्राम लिंक जहां पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जो भी हम क्लासरूम में आपको बताते हैं वो सारा स्टडी मटेरियल वहां पे रहता है। एंड दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स जो आप लोगों के लिए क्रिएट किए गए हैं। राइट नाउ वी आर हियर अनअकैडमी गेट CE, अभी अपना क्लास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना।
राइट सो दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स आल्सो जो सिविल के लिए अनअकैडमी गेट सीई अनअकैडमी एसएससी जेई अनअकैडमी इंजीनियरिंग फाउंडेशन एंड इंजीनियरिंग पाठशाला सो दीज आर जो है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है अनअकैडमी गेट क्वेश्चन सो इन चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिंग बेल पे क्लिक करना ना भूलें ठीक है चलिए जी कोई डाउट हो तो बताइए इसमें किसी को यहाँ पे कोई आपको इश्यू नहीं होगा ओके जी हरिओम चलिए तो अब हम आगे आते हैं तो अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए किसी को डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लीजिए सर फॉर आउटस्टैंडिंग लेक के लिए ग्रोस एरिया लेते हैं ड्यू टू सिग्निफिकेंट यील्डिंग शियर लेग सर प्लीज वन टाइम एक्सप्लेन यार शियर लेग वाला हैप्पी आप टेंशन मेंबर का वेट करो शियर लेग वाला जो पार्ट है उसके लिए टेंशन मेंबर का वेट करो माइट बी ये जो है वो एक फर्स्ट सितंबर से टेंशन मेंबर शुरू हो जाएगा फर्स्ट या सेकंड सितंबर से हैप्पी आप क्लास में आइए और डेली क्लास यूट्यूब का क्लास अटेंड करिए डेली वाला इवनिंग को रहता है 8 to 9:30 क्लास रहेगा मंडे से तो उसको अटेंड करिए वहां पे जब टेंशन मेंबर होगा तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ओके सीएल लेग का अपना एक एक पूरा लेक्चर चलेगा एक डेढ़ घंटे का सीएल लेग पे तो अभी उसको 5 मिनट के अंदर बताना जरा मुश्किल होगा ना आप समझ पाएंगे ना मैं कर पाऊंगा शिव गुप्ता टेंशन मेंबर का भी मैराथन करा दीजिए चलिए तो पहले इसको देखते हैं फिर आगे देखते हैं कल कंप्रेशन मेंबर का मैराथन है 12 से 2 सबको आना है ठीक है ना कुछ सीखना हो अगर कुछ जानना हो तो आपको अटेंड करना ही करना है चलिए और कोई डाउट डाउट पूछो यार आप रिलेवेंट टॉपिक के डाउट पूछो बाकी सारे आपको क्लियर हो जाएंगे चलिए जी तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो को लेके आप लोगों को एक टेबल दिया गया है न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा मंडे को स्टार्ट होगा अपने पास में सेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन Eccentric welded connection. मंडे को स्टार्ट होगा eccentric welded connection. और मंडे को स्टार्ट होगा ट्यूजडे या वेनेसडे वेनेसडे से जो स्टार्ट हो जाएगा टेंशन मेंबर वेनेसडे से स्टार्ट होगा टेंशन मेंबर और कुछ और किसी को जानना है ओके चलो तो कोई पॉइंट और कोई डाउट हो तो बताओ ओके कोई डाउट नहीं लग रहा तो यहां पे आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के लिए मेरे पास में 3 तरीके के स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं एक मेंबर है कंप्रेशन मेंबर दूसरा है बीम तीसरा है टेंशन मेंबर 3 तरीके के स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं एक हो जाएगा कंप्रेशन मेंबर एक हो जाएगा बीम यानी कि फ्लेक्सर मेंबर दूसरा तीसरा हो जाएगा टेंशन मेंबर 3 तरीके के मेरे पास में जो है वो क्या हो जाएंगे मेंबर होते हैं इन तीनों के लिए आईएएस कोड ने स्लेंडरनेस रेशियो को जो है वो लिमिट दिया है कि भी लिमिट कितना क्या क्या होगा ठीक है चलिए तो ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो तो हम देख चुके हैं तो मैक्सिमम लिमिट के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्रेशन मेंबर के लिए सबसे पहले दिया जाएगा आपको कंप्रेशन मेंबर के लिए तो पहला हो जाएगा तुम्हारे पास कंप्रेशन मेंबर के लिए अब यहाँ पे एक डाउट आया शिव गुप्ता का कि सर ये कॉलम के लिए सेम और कॉलम के लिए सेम स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइन है क्या चलिए चलिए तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये जो बात कर रहे हैं स्लेंडरनेस रेशियो वो बात कर रहे हैं लॉन्ग कॉलम के अरे भाई शॉर्ट कॉलम कभी सिलेंडर होगा क्या शिव गुप्ता जी शॉर्ट कॉलम कभी सिलेंडर होगा क्या सिलेंडर का मतलब है लेंथ ज्यादा होना
डायमेंशन कम होना, लेंथ ज्यादा होना, डायमेंशन कम होना, तो वो मेंबर कहलाता है सिलेंडर मेंबर। एंड हियर वी आर डीलिंग द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे हम बात कर रहे हैं उसके लिए, राइट right. स्ट्रेट और कॉलम, स्ट्रेट और कॉलम, कॉलम के लिए है भाई, कॉलम के लिए, कॉलम के लिए। ठीक है चलिए जी, तो चलो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बाकी जो भी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके डाउट है वहां पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला हो जाएगा मेरे पास कंप्रेशन मेंबर, फोर कंप्रेशन मेंबर, फोर कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। पहला हम जो ले रहे हैं वो किसके लिए लेंगे, पहला हम लेंगे कंप्रेशन मेंबर के लिए। और कंप्रेशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है तो वो हम देखते हैं, वो हम देखते हैं, राइट। तो इसके लिए दो कंडीशन आपको दी गई है, इसके लिए आपको दो कंडीशन दिए। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन हो जाएगा एनी मेंबर, एनी मेंबर ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड, कैरिंग कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड resulting from dead load and imposed load, dead load and imposed load only, dead load or imposed load। अगर किसी member पे compressive load आ रहा है और वो resulting हो रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, only from dead load and imposed load, दोनों की इसकी वजह से आ रहा है, तब इसमें जो आपको, इसमें जो आपको लेमडा दिया जाएगा वो दिया जाएगा लेमडा, जो मैक्स होगा इसके लिए, इसके लिए लेमडा मैक्स होगा वो हो जाएगा लेमडा मैक्स इज इक्वल टू 180, लेमडा मैक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में दिस वन, ये कंडीशन हो जाएगा दिस वन। अब दूसरा कंडीशन कंप्रेशन मेंबर के लिए ही है ये, तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, अभी मैंने उसको समझाया नहीं है तो भी आप उसको सोचना मत इस पे, ये अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपल जैसा लिखा था उसको वैसा लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, ए मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स A member subjected to compressive force resulting only from combination with wind or earthquake load, EQ का मतलब है earthquake load। इसके लिए जो लेमडा दिया जाएगा, लेमडा मैक्स जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 250, इसके लिए दिया जाएगा 250, लेमडा मैक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, वो हो जाएगा 250, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब इसको देखते हैं, अब इन दोनों पॉइंट को हम समझते हैं क्या होगा, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं समझते हैं कि भाई क्या हो जाएगा। तो वो देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग ने जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट के अंदर मेरे पास में विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स लग रहा है, विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स लग रहा है, जबकि यहाँ पे ओनली डेड और लाइव लोड आ रहा है, डेड और लाइव लोड आ रहा है। इसका मतलब डेड और लाइव लोड जो होते हैं वो स्टेटिक लोड होते हैं, स्टैटिक लोड अगर है तो उसको मैं एक्सेली लोड मान सकता हूँ, एक्सेली लोड मान सकता हूँ। तो ये कॉलम जो होगा, ये जो कॉलम होगा ये प्योर एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, प्योर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर,
ये हो जाएगा प्योर एक्सियल एक्सियल कंप्रेशन मेंबर, एक्सियल कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, प्योर एक्सियल कंप्रेशन मेंबर होगा, राइट। व्हाई? बिकॉज दीज आर द स्टैटिक लोड। ये क्या है? स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड, राइट। और इसमें इसमें क्या दे रखा है? ये दे रखा विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स, दीज आर नॉट स्टैटिक लोड, नॉट स्टैटिक लोड। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में दो कंडीशन है, आपके पास में दो कंडीशन है, एक कंडीशन वन और एक कंडीशन टू, ये दो कंडीशन है। मुझे एक बात बताइए, दोनों में से किसमें बक्कल होने के चांसेस ज्यादा हैं? विच लेमडा इज बिलोंग टू द, विच वैल्यू ऑफ लेमडा इज बिलोंग टू द बकलिंग पार्ट, विच लेमडा इज बिलोंग टू द बकलिंग पार्ट, विच वन, 180 और 250, विच लेमडा वन, दिस लेमडा और दिस लेमडा, कौन सा लेमडा जो है वो बकलिंग वाले पार्ट के अंदर आने के चांसेस या उसके ज्यादा है? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, कंसेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द क्लास। सो विच लेमडा इज बिलोंग टू द मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द बकलिंग, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द बकलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसका वो सिलेंडर कॉलम होगा, तो जो सिलेंडर कॉलम होगा उसके बकल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इस कॉलम के मोर पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं, इसका मतलब ये ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, दैट इज मोर वैल्यू मीन्स मोर वैल्यू, मोर वैल्यू मीन्स मीन्स मोर पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, मोर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, राइट। यहां पे देखो मोर और लेस, मोर और लेस दोनों रिलेटिव पैरामीटर हैं, दोनों रिलेटिव पैरामीटर हैं। तो मैंने इस वैल्यू को, मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर किया, हाँ या ना। तो जिस वैल्यू, जो वैल्यू ज्यादा होगा दोनों में से, वो वैल्यू क्या आएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास बकलिंग वाला पार्ट हो जाएगा। कोई डाउट हो बताइए इसमें किसी को भी, एनीवन। तो ये कंप्रेशन मेंबर के लिए आपको ओनली दो ही डेटा दिया गया है, ओनली दो ही डेटा दिया गया है जिसको लेके तुम्हें ध्यान रखना है, या तो 180 होगा या फिर 250 होगा कंप्रेशन मेंबर में, इसके अलावा कोई लेमडा का वैल्यू नहीं होगा कॉलम के लिए, कॉलम के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब अगर मान लो क्वेश्चन में तुमसे, मान लो कहीं पे भी लेमडा का यूज आ रहा है, कहीं पे भी लेमडा का यूज आ रहा है, और तुम्हें ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि भी विंड वाला लेना है या नॉर्मल स्टैटिक वाला लेना है, तब जो तुम है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में लेमडा का कंप्रेशन मेंबर, लेमडा का जो यूज हो रहा है और वो उसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि भाई इसके अंदर विंड फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, तब उस केस में आप इसी वैल्यू को लेके डिजाइन करेंगे, आप उसी इसी वैल्यू को लेके डिजाइन करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक लोड के अंडर में और हम लोग स्टैटिक लोड को ही लेके डिजाइन कर रहे हैं। अगर विंड एंड अर्थक्वेक फोर्स के लिए बोलेगा तो सेपरेटली वो अलग से आपको जो है वो बता देगा कि भी क्या करना है। ठीक है, ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए जब कुछ नहीं दिया होता है तो लेमडा का वैल्यू हम लेंगे 180 और दूसरा हो जाएगा 250। चलो जी, चलो। सो यहाँ पे एग्जैक्ट 2 o'clock हो चुका है और 2 बजे क्लास के लिए अपना ऑफ टाइम रहता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इसके आगे जो है बीम के लिए, टेंशन मेंबर के लिए, ट्रस के लिए, स्टड के लिए, वो सारे कल की क्लास में डिस्कस होंगे 12 से 2 बजे तक। सो एवरीवन प्लीज बी ऑन टाइम, एंड इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू,
अगर आपको अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा मिला, सीखने को मिला है, माइंड ने अगर कुछ ओपन हुआ है, कुछ सीखा है, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ये आपकी साइड से हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। चलिए जी, थैंक यू, थैंक यू।